मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम कमजोर सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। बीजेपी की दूसरी सूची आ गई है और कांग्रेस में पहली सूची को लेकर माथापच्ची जारी है। टिकट को लेकर दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग भी हुई। 9 घंटे तक स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चली और कमलनाथ 3 घंटे में ही इस मीटिंग से निकल गए। साथ ही उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि उम्मीदवारों की सिफारिश करने वाले लोग जीत की गारंटी लें। दरअसल दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर रात तक माथापच्ची जारी रही। युवा नेता जीतू पटवारी के साथ करीब 1.5 घंटे तक अकेले चर्चा भी हुई। साथ ही हर सीट को लेकर दिग्गज नेताओं ने चर्चा की है। रिपोर्ट्स के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में हर बड़े नेता टिकट के दावेदारों के नाम बताने लगे। सबकी बातों को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ करीब 3 घंटे तक सुनते भी रहे। तो एक रिपोर्ट में सामने आया है कि कमलनाथ सबकी सुनने के बाद मीटिंग में कहते हैं कि मेरी ओर से कोई उम्मीदवार नहीं है। जो लोग सिफारिश कर रहे हैं वे उनकी जीत की गारंटी खुद लें और चुनाव में अपना उम्मीदवार उतार दें। कमलनाथ के यह कहने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में सन्नाटा पसर गया। इसके बाद कमलनाथ वहां से निकल गए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि हमें बीजेपी को हराना है, इसलिए जीतने वाले उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रहे हैं।